नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं रुतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटवि प्रणाम सभी लोगों को। तकदीर सिंह जी आप होस्ट हैं, मैं इसको शेयर कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट मैं इसको देखता हूं, मैं इसको ये मेरे से गलत क्लिक हो गया, एक मिनट। तकदीर सिंह जी आप या तो वैद्य अरविंद जी को होस्ट बना दीजिए या फिर मैं, एक मिनट मैं दोबारा ज्वाइन करके फिर बनाता हूं। हाँ थैंक यू सर। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजयक्ष्मा चिकित्सा में 61 नंबर का श्लोक सर कृपया आप पढ़ और सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। जी जी, प्रसिक में भक्षण आदि अर्कामृता क्षार जले सर्वरी मूसी तैरी अवे है। बोलिए बोलिए, सब लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? एक मिनट रुके, मैं ऑप्शन देता हूँ। हाँ एक बार अनम्यूट करिए। हाँ वैद्य कविता जी कृपया मैम सर के पीछे पीछे बोलिए, कविता मैम जी। हाँ दोबारा बोलता हूँ मैं, अर्का मृताक्षा रजले सर्वरी सर्वरी मूसी तैरी अवे। प्रसेके कल्पितान सक्तुन भक्ष्याश्च द्वाद्वली वमेत। कटु तिक्तैस्तथा शूल्यं भक्षेज्याङ्गलं फलम्। शुष्कांश्च भक्ष्यान् शूल भूषणं कादिरसानुपः। यहाँ पे उपद्रव की चिकित्सा बताई है कि आंख किलोय और यवक्षार के जल में जौ को रात भर पड़ा रहने दें और इससे बने सत्वों को और भक्षों को लाला प्रसेक में खाएं। बलवान मनुष्य कटुतिक द्रव्यों से वमन करे, शूलाकृत जांगल मांस को खाए, सुस्त भक्षों को खाए, अतिशय लघु भक्षों को खाए और पीछे से चने आदि का रस यूज पिए। माद्री ने आंख और गिलोय को क्षार विधि से बनाया हुआ जल लेने की बात की है। जी वैद्य जी, वैद्य जी आप होस्ट बन गए ना? हाँ सर, इसमें ऐसा बताया है कि अर्क लेना है, गुड़ुची लेना है और यवक्षार लेना है। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्रसेक आ रहा है, बहुत ज्यादा कफ के वजह से प्रसेक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है कि अर्क लेना है, ये थोड़ा क्षारीय द्रव्य है, गिलोय लेना है वह भी तिक्त रसात्मक होता है जो कफ को निकाले, और यवक्षार इसको पानी में डाल के इनके पानी में मिक्स करके फिर जौ को रात भर रखना है, फिर इसको सुखा देना है, सुखा के भून देना है और भूनने के बाद इसका पीस के सत्तू बनाना है और इसके कुछ व्यंजन बनाने हैं, जो भी रोटी वगैरह बनाना है या पूरी बनाना है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब कफ को ना बढ़ाए,
घी वगैरह में बनाए, कोई लाला प्रसेक में खाने के लिए बोला है, और फिर बलवान मनुष्य कटु तिक्त द्रव्यों से वमन करें ताकि कफ निकल जाए, जो बलगम है वो सब निकल जाए। फिर अतिशय लघु भक्ष्यों को खाना है, यहाँ पे शूलाकृत जांगल मांस को खाना है। शूलाकृत मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मुर्गी का जो मांस होता है या कोई एनिमल का मांस कट कट करके, और वो एक लोहे का जो वो रहता है उसमें डाल के, जो डंडा टाइप रहता है शूल, उसमें डाल के और वो पकाते हैं, तो ऐसे जांगल मांस को खाना है। तो ये क्या कहता है, कफ का शमन करने वाला द्रव्य होता है। फिर बोल रहे हैं शुष्क भक्ष्यों को खाएं, शुष्क मतलब सूखा सूखा चीज को खाएं, अतिशय लघु भक्ष्यों को खाएं, हल्का चीजों को खाना है, और पीने से पीछे से चने आदि का रस यूज पिए, तो ये पीने के लिए बोला है। कविता मैम आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगी, कविता मैम आप इसके बारे में क्या बोल सर सकते हैं? ये राजयक्ष्मा चिकित्सा है, तो इसमें जो कफ, आई थिंक कफ जो है वो अपने जो इसका सांद्र गुण होता है उससे बड़ा हुआ होगा शायद, तो इससे उसको निकालने के लिए मतलब जो क्षारीय द्रव्य हैं उनका यूज करने के लिए बताया है। और शुरू क्योंकि बलवर्धन के लिए हमने बाद में तो कफ वगैरह मतलब वो सारा देना पड़ेगा इनको, लेकिन शुरुआत में जो स्रोतोरोध है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे क्षारीय द्रव्यों से कफ की सांद्रता को कम करने के लिए बताया होगा। हाँ बराबर है। ठीक है, वैसी कल्पना अगर नहीं हम बनाते तो यवक्षार पाचन चूर्ण वगैरह कुछ ऐसा दे सकते हैं, और भोजन में सूखे द्रव्य जैसे चना चबेना लावा वगैरह। जी दे सकते हैं ना। ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। एक बात और वैद्य, जो रात में लार टपकता है जिनके, और पेशेंट जो सोते हैं या जिनके लार ज्यादा बनता है, तो उसका ट्रीटमेंट में भी हम लोग यही ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, अभी इसमें आगे टीका पढ़ेंगे। कविता मैम आप ये प्लीज टीका पढ़ेंगे क्या? आपका जी संस्कृत सर, बहुत अच्छा है मैम, और आप तो पीएचडी की हैं संहिता में, तो आप तो बहुत अच्छे से बता पाएंगी। आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ जी एक सर, मिनट के। मेरा असल में एमए संस्कृत हुआ है, डबल एमए संस्कृत, और बीए भी संस्कृत हुआ है, तो ये मुझे सब इजी जाता है ये सब। हाँ पढ़िए आप अर्कादि जलेश। सर्वांग सुंदरा टीका का पहले बताया इन्होंने कि अर्कादि जले रात्रि सितैहि यवैहि सक्तुन कल्पितान वक्षांश्च प्रसेके भक्षयेत्। मतलब अर्कादि के जल में रात में जो भिगोए हुए या रात भर स्थित किए हुए जो यव हैं उनसे यवैहि सक्तुन कल्पितान वक्षांश्च, उनसे अलग अलग कल्पनाएं करके जो भक्ष्य बनाए गए हैं, और जो सक्तु है उसको जब प्रसेक होता है, जब लाला स्राव अधिक होता है तब उनको खाना चाहिए। भक्ष्यान में क्या बना सकते हैं आप, आइडिया दीजिए। पूरी बनाना है या रोटी बनाना है, ऐसे कुछ तो बना सकते पूरी हैं। तो नहीं, क्यों घी में नहीं बना सकते हैं? ठीक है आगे बताइए सूखे सूखे बनाएंगे ना, सूखे और लघु। जी, आगे बताइए कविता में। हाँ बलवान जी, बलवान कटु तिक्त कई ही वमेत। अगर रोगी बलवान है तो फिर कटु और तिक्त द्रव्यों का उपयोग करके उनका पहले वमन कराना चाहिए। हाँ तथा शूल्य जांगल मांस भक्षयेत, जो शूल में डालकर जांगल मांस को पकाया जाता है उनको खाना चाहिए। और दूसरा ये कटु तिक्तेर वमित, इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे नीम है, पटोल है, कटु में थोड़ा त्रिकटु जैसे द्रव्य, ऐसे कुछ तो द्रव्य से उल्टी कराना है कि कफ निकल जाए। कफ निकालना यहाँ मेन उद्देश्य है। ये व्याधि राजयक्ष्मा भी कफ के लीन दोष स्त्यान दोष की वजह से ही होता है। जी सर, जी आगे शुष्काश्च भक्ष्यान भोजयेत, इसका मतलब क्या है, सूखे चीज देना है जो कफ को सोखे, कफ को मतलब वहां शमन करे। आगे भोजेशान लघुतरान भक्षयेत, जी मतलब जो लघुतर है, लघु भी नहीं बोला है यहाँ पे, लघुतर बोला है, मतलब
स्पेसिफिकली जो ज्यादा लघु हैं ऐसे ही भोज्य विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ और चणकादि रसम अनुपश्चात पिबेत, मतलब इसमें अनुपान बताया है, जो चणक आदि का जो रस होता है वो जो ये लघुतर भोज्य हैं उनके अनुपान के रूप में उनको पीना चाहिए। हाँ ठीक है। इसमें आयुर्वेद रसायन आप पढ़िए। आयुर्वेद रसायन टीका में कहा कि अथोपद्रव चिकित्सा, उपद्रव की चिकित्सा बता रहे हैं। तत्र प्रसेक चिकित्साम आह, प्रसेक की चिकित्सा पर्टिकुलरली बता रहे हैं। अर्कामृता क्षार जल इति, अर्क गुरुच्योक्षारस्य क्षार विधिना गृहीते जले रात्रिम उषितैहि यवैहि सक्तवो भक्ष्याः च कल्प्या। इसमें भी यही कह रहे हैं कि अर्क गुरुचि का जो क्षार है उसको क्षार विधि से नहीं उसका, ऐसे नहीं, अर्क और गुड़ुची और क्षार इसको पानी में डाल देना है और उसके बाद में क्षारस्य विधिना गृहते जले, उस पानी में क्या करना है कि सत्तू डालना, सत्तू मतलब जौ डालना है और हाँ जी जौ को फिर सुखा के उसका सत्तू बना के अलग अलग भक्ष्य बना के खाने योग्य पदार्थ बना के फिर उसका सेवन करना है। जी तो प्रसेकी बलवान सकटु तिक्त ही वमे जी चणकादिना रुक्षाणाम रसो यूष अनुपाने। जी इसका मतलब यह है कि जो प्रसेकी है, जिनको प्रसेक आ रहे हैं, मुंह से लाला स्त्राव आ रहा है, ड्रूलिंग हो रहा है, जो सलाइवेशन बहुत हो रहा है, उनको वमन करा दिया तो कफ निकल जाता है, बराबर है ना, तो इसका प्रयोग करना है। और चणक आदि नाम मतलब चना वगैरह आदि का जो रुक्ष द्रव्य है उसका यूष बनाना है, दाल का पानी का यूष बनाना है, वो अनुपान में प्रयोग करना है, पश्चात पिबेत और अनुपानी ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा कविता मैम, आप कितना अच्छा पढ़ी, प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, 63 नंबर का श्लोक अंजना मैम पढ़ेंगी क्या प्लीज? अंजना मैम आप आई तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंजना मैम इतनी अच्छी मैम है ना कि संहिता का पूरा इनका स्टडी बहुत अच्छा है। नमस्कार सभी लोगों को सर, नमस्कार प्रणाम आपको मैम सर, आपको। जी सुप्रभात। कौन सा नंबर पढ़ना है सर? गुड इवनिंग। 63 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कफ प्रसेक का लक्षण। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। श्लेष्मलो अति प्रसेकेन वायु श्लेष्मारम अस्तति कफ प्रसेकम तम पिद्रान स्निग्धोष्णेव निर्जीयत। जी अर्थात कफ के अति प्रसेक से क्षीण हो जाने पर कुपित वायु क्षीण हुए कफ को भी बल पूर्वक बाहर करती है। इसकी स्निग्ध और उष्ण औषधि से ही विद्वान इसे शांत करें, रुक्ष और शीत से नहीं। यहाँ इन्होंने बहुत स्पेशल बताया है कि जब कफ का अति प्रसेक से क्षीण हो जाने पर कुपित वायु क्षीण हुए कफ को भी बलपूर्वक बाहर करती है, और इसके स्निग्ध और उष्ण गुण की औषधियां देना है। यहाँ पर हमें रुक्ष औषधियां और शीत औषधियां नहीं देना है। रुक्ष और मतलब शीत क्या होता जिससे है, नहीं कफ करना, इतना ज्यादा निकलता है, इतना ज्यादा कफ निकलता है कि ड्राइनेस आने लगता है, बहुत ज्यादा कफ निकलने से भी ड्राइनेस आता है, वायु क्षीण हो जाता है, कफ को बलपूर्वक बाहर निकालता है, कुपित वायु क्षीण हुए कफ को, मतलब वायु जो है कुपित होता है, ड्राइनेस लाता है और क्षीण हुआ कफ है वो बलपूर्वक बाहर निकालने का कोशिश करता है, इसलिए स्निग्ध पदार्थ देना है और उष्ण देना है कि कफ जो है वो अच्छे से निकल पाए वहां पे। और घृत कल्पना काम करेगी सर यहाँ पर, कौन सी घृत घृत कल्पना घृत कल्पना जी काम सर। करेगी बराबर, हाँ और जी वो भी उष्ण भी होना चाहिए घृत, तो जैसे चित्र हाँ त्रिकटु 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 जी और सर घी दे दें, ऐसे स्निग्ध जी सर भी होना चाहिए उष्ण भी होना चाहिए, रुक्ष और शीत नहीं देना यहाँ पे, नहीं तो वायु का प्रकोप होगा। कितना दिमाग लगाया है सोचिए इन्होंने। जी सर गजब सर, बहुत ही स्पेसिफिक लगाएंगे। जी इसकी टीका भी मैम आप पढ़ दीजिए प्लीज, 63 नंबर का जो है, जी सर, एक मिनट मैं इसको नीचे लाता हूँ। हाँ, ये पढ़िए फिर आयुर्वेद रसायन लाऊंगा, ये पढ़िए जी सर, वायु श्लेष्मण कह शिप। जी वायु श्लेष्मा क्षिपति श्लेष्मणो अति प्रसेकेन हेतु भूतेन त कफ प्रसेक विद्वान स्निग्धो शृणे निर्जीवेत। हाँ इसका मतलब यह है कि वायु जो है वो श्लेष्मण शिपति कफ को निकालता है, श्लेष्मणो अति प्रसेकेन, जब श्लेष्मा बहुत ज्यादा निकल जाता है, हेतु भूतेन तम
कफ प्रसेक विद्वान, मतलब वहां पे कफ निकाल निकाल के इतना ज्यादा वहां पे ड्राइनेस आ रही है, कफ क्षीण हो गया है वहां पे, तो हमें कफ को बैलेंस भी करना है और वायु को भी शमन करना है। फिर बोल रहे हैं स्निग्धोष नरेव निर्जय, तो इसलिए स्निग्ध और उष्ण करेंगे ना, तो यहाँ पे कफ जो क्षीण हो गया है वह भी बैलेंस हो जाएगा, और उष्ण देंगे वायु के लिए, वायु के लिए भी स्निग्धता जरूरी है, वायु के लिए उष्णता भी जरूरी है, कफ के लिए भी बैलेंस करने के लिए स्निग्धता जरूरी है, कफ को ज्यादा प्रकोप न हो, उष्ण जरूरी है, इस तरह से यहाँ योजना किया गया है। इसका आयुर्वेद रसायन पढ़ते हैं, कृपया मैम पढ़िए, अंजना मैम। जी सर, जी सर, आयुर्वेद रसायन चिकित्सा अंतर महा श्लेष्म इति यस्मिन् कफस्य अति पुष्केन क्षीणत्वे सति कुपितो वायु क्षीणम् अपि कफ बलादिश्यति प्रेरयति तं स्निग्धोष्णेन च औषधेन निर्जयेत ना रूप शीते विद्वान अवस्थोपचारज्ञ वैद्या। इसमें बोल रहे हैं चिकित्सा अंतरम महा, एक अलग तरह की चिकित्सा बता रही है, बता रहे हैं श्लेष्मण इति से, श्लेष्मण ये शब्द से बता रहे हैं, चिकित्सा अंतरम मतलब डिफरेंट टाइप की चिकित्सा, अलग आइडिया। यस्मिन कफस्याति प्रसेकेन क्षीणत्वे, मतलब बहुत ज्यादा कफ का प्रसेक हो गया है, कफ बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, सती कुपितो वायु मतलब साथ में वायु भी कुपित हो गया है, क्षीणम अपि कफ बलाद्यस्यति प्रेरयति, मतलब वायु जो है वह क्षीण कफ मतलब कफ वायु कुपित हुआ है और कफ जो है वो बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, बलाद्यस्यति मतलब प्रेरयति कफ को निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तम स्निग्धोष्णेन च औषधेन, मतलब उसमें स्निग्ध और उष्ण ऐसी औषधियां दें, निर्जयत न रुक्त शीतेन, उसमें रुक्ष और शीत चिकित्सा नहीं देनी है, विद्वान अवस्थोपचारज्ञो वैद्या, इसलिए जो लोग अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो चिकित्सा करते हैं उनको विद्वान कहा गया है। डॉक्टर मोनिका मैम आप कृपया पढ़ेंगी आगे का श्लोक, एक मिनट में लेके आ रहा हूं। मोनिका मैम ये पीनस और वमन में उक्त चिकित्सा, सर मैं 5 मिनट बाद पढ़ूं ड्राइवर जी। आकांक्षा मैम कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़े, आशा गुप्ता मैम, गंगवार सर, माधुरी मैम, कौन पढ़ेगा, वर्षा कौशिक मैम आप कृपया पढ़िए, सबको चांस मिलना चाहिए, मुनीश शर्मा मैम, अश्विनी जी कोई पढ़िए प्लीज। सर पढ़ू मैं? हाँ सर पढ़िए प्लीज, पिनसे अपी। ये पीनस तथा वमन में भी उक्त चिकित्सा, पीनसे जी अपि क्रमम वमथो च प्रयोजयेत, जी कफ प्रसेक की इस चिकित्सा को वमन और पीनस में भी बरते हैं। जी इसमें बोल रहे हैं कि कफ प्रसेक की इस चिकित्सा को अगर उल्टी आ रही है किसी पेशेंट को और वहां पर भी कफ क्षीण हो गया, बहुत ज्यादा उल्टी 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 आ रही है, पीनस भी हो रहा है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, नाक से पानी आ रहा है, प्रतिशय ही आगे जाके पीनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें भी ज्यादा कफ निकलने की वजह से कफ क्षीण हो गया है, वायु का प्रकोप होकर रुक्षता भी आ गई वहां पे, तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से ही हमें उसको ठीक करना है, बैलेंस करना है, इतना इतना बढ़िया बता रहे हैं ये लोग, यहाँ पे स्नेहन वगैरह ऐसा करके फिर कुछ करना चाहिए ऐसा बता रहे हैं। इसकी टीका कृपया पढ़िए सर, बहुत अच्छा पढ़े आप, प्राउड ऑफ यू सर। जी सर थैंक यू सर। हाँ पढ़िए इमम इमम कप प्रसेकोक्तम क्रियाक्रम पीनसे ममथो सर्दी सुई चै प्रयोजयेत। हाँ इसमें बोले हैं कफ प्रसेक उक्त, कफ के प्रसेक में क्या करना है, उक्त क्या क्रियाक्रम है, मतलब कफ के प्रसेक, कफ प्रसेक में जो उक्त चिकित्सा बताया है वही क्रियाक्रम पिनस में, मतलब सप्तमी एक वचन है, पिनसे वमथो उल्टी में भी सर्दिशी च प्रयोजित, उसमें वमथो मतलब उल्टी में भी इसका प्रयोग करना है हमें, जो हमने कफ प्रसेक के ऊपर चिकित्सा पढ़ी स्निग्ध और उष्ण। आयुर्वेद रसायन जी छर्दी पीनसयो प्रसेक चिकित्सा महा पीनसेपि जी इसमें बोल रहे हैं कि पिनसे पीति, पिनसे अपि इति जो है ये श्लोक से क्या मतलब है कि छर्दी और पिनस में भी प्रसेक की चिकित्सा को ही अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक
थैंक यू सर, कितना अच्छा पढ़े। मुनीश शर्मा मैम बोल रही है कि मैं पढ़ू क्या? मुनीश शर्मा मैम कृपया पढ़िए 64-65। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। पीनेस की विशेष चिकित्सा कृपया पढ़िए 64 और 65। यस सर। विशेषात तीन से अभ्यंगान स्नेहान स्वेदांश शीलिये स्नेक अनुत्कारिता अनुत्कारी पिंडई शिरह पार्श गला शिरह पार्श गलादिषु लवण अम्ल कटु उष्णाश रसान स्नेहो स्नेहो संहितान जी। विशेष करके पीनस में स्निग्ध अभ्यंग स्निग्ध स्वेद स्निग्ध स्ने और स्निग्ध स्वेद करें। शिर शिर पार्श्व गले आदि पर उत्कारिका एवं पिंडों से स्निग्ध स्वेद करें। लवण अम्ल और कटु रसों को और स्नेह मिश्रित मांस रसों को खाएं। जी सर। सर ये उत्कारिका क्या हुआ? उत्कारिका एक तरह का जो पुआ होता है ना आपके उधर मालपुआ जो बोलते हैं। यस सर। जो मीठा बनाते हैं। हाँ उस तरह मीठा पुआ। ये थोड़ा हमें एक्सप्लेन तो करिए मैम। अच्छा सर तो मैं एक्सप्लेन कर। आप ऐसा सोचिए अच्छा। आप एक टीचर हैं और या आप इसको एक्सप्लेन कर रही हैं तो क्या आपको समझ आया हमें समझाइए ना। अच्छा इस श्लोक में उन्होंने जो पीनस है यानी कि जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है राइनाइटिस है उसकी जो है स्पेशल चिकित्सा बताई है। उन्होंने बोला है कि जो पीनस है उसमें जो है स्निग्ध अभ्यंग करें क्योंकि जो है क्योंकि क्रॉनिक पीनस है तो उसमें वात का प्रकोप रहेगा। तो उन्होंने बोला है कि स्निग्ध अभ्यंग करें स्निग्ध स्वेद करें और जो है स्निग्ध स्नेह दें मतलब उसमें थोड़े घी की मात्रा ज्यादा दें और सिर में पार्श में यानी कि साइड्स में गले आदि पर उत्कारिका एवं पिंडों से स्निग्ध स्वेद करें। स्निग्ध स्वेद यहाँ पे क्यों बोला है ऐसे उत्कारिका और पिंडों से क्यों स्निग्ध स्वेद बोला है क्यों? वो इसलिए क्योंकि सर इसमें ना वात ज्यादा कुपित रहेगा तो ड्राइनेस रहेगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। और दूसरा तो और सिर में पार्श्व में गले में ना बहुत ज्यादा हीट नहीं लगना चाहिए हमें नहीं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। जी सर। और साथ में जो लवण अम्ल और कटु रसों को और स्नेह मिश्रित मांस रसों को खाएं। बेसिकली जो लवण और अम्ल है वो कहीं ना कहीं कफ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अगर वात कुपित है तो वो थोड़ा सा उस एरिया को थोड़ा मॉइस्ट कर देंगे और जो कटु रस है वो जो है उसको बैलेंस रखेगा इसलिए जो है उन्होंने बोला है कि मांस रस को खाएं। और वो भी स्नेह मिश्रित मांस रस है कि कफ को भी बैलेंस करना है कफ को पूरा निकालना नहीं है वायु और कफ को बैलेंस करने के लिए बता रहे हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग यूज का प्रयोग कर सकते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो मांस रस को प्रयोग कर सकते हैं। मुनीश शर्मा मैम आप इतना बढ़िया कैसे पढ़िए आप पहले तो ये बताइए इतना अच्छा पढ़िए। आपने सिखाया सर आपने सिखाया है धीरे धीरे आप रोज मौका देते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत आती है आपका। देखिए बाद में रिकॉर्डेड भी देखेगा आपका जो उच्चारण एकदम क्लियर क्लियर बोला आपने एक विसर्ग भी ऐसे नहीं पढ़ा हलंत भी एकदम बढ़िया एकदम पढ़ा आपने प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है 64-65 नंबर का जो है इसका टीका कौन पड़ेगा? डॉक्टर रजत सोनी जी आप पढ़ेंगे या कुलभ सिंह जी आप लोग ट्राई तो करिए। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या सर? हाँ पढ़िए। वे जी। हाँ जी। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रसव की चिकित्सा की तो उसमें कफ मतलब निकला अभी जैसे अंजना मैम ने श्लोक पढ़ा था कि कफ का अधिक स्राव हो गया तो उसके वायु जो कुपित हो रही है तो उन्होंने स्निग्ध भोजन और उष्ण भोजन दिया उसी के बाद उन्होंने पीनस की सामान्य चिकित्सा लिखी और उन्होंने फिर लिखा कि उसमें उत्कारिका अभ्यंग स्नेहन तो ये हम जो चिकित्सा इसलिए कर रहे हैं कि कफ जो है वो वायु जो है उस कफ को भी ले आई जो हमको जरूरी था तो मतलब वायु कफ इतना निकल गया कि वायु प्रकोपित हो गई तो उसकी क्षीण हो गया और कफ क्षीण हो गया इसलिए वहां पे स्निग्ध देना है स्निग्ध चीज का प्रयोग करना है कि वहां पे कफ को बैलेंस करना है हमें कोई भी चीज इम्बैलेंस नहीं होने देना है। जी अति वमन जो जिनको हो जाता है वैजी जिनको वमन कराते समय अतियोग होता है तो उनमें भी पसलियों में गले में छाती इत्यादि की जो जगह होती है उस पर
कभी कभी भवन के बाद पेन होता है, तो उस समय भी जो है वो स्निग्ध चिकित्सा यानी बाह्य करने से इंटरनल तो आराम नहीं पाता देना है। चाहिए, बाहे हमें अभ्यंग वगैरह करते रहते हैं, जी, बाह्य अभ्यंग सब करके ये थोड़ा सा पिंड स्वेद ऐसे कुछ दे सकते हैं। जी, और मतलब अभ्यंतर तो कुछ नहीं देना चाहिए ना सब में। नहीं, जी, ठीक है। आशा गुप्ता मैम आप पढ़िए प्लीज, आप पढ़ रही हाँ थी जी सर, हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम, पढ़िए। शिर अंश पार्श्व नहीं शूलेषु नहीं आप क्या यथा पढ़ रही हैं? दोष विधि नहीं नहीं चरेत नहीं मैम, नहीं नहीं औदक अनुपशित। आप सुन अच्छा, नहीं रही हैं मैम, हाँ आप ये पढ़िए विशेषण जी सर, पिनतीय अभ्यंग टीका पढ़िए, टीका अच्छा, आपके ओके स्क्रिप्ट के ओके। एग्जाम 64-65 की विशेष, टीका। हाँ आप कनेक्टेड रही, विशेष आपके पीने से अभ्यंगान हाँ नेहान सब बार बार नेट में वो खराब हो जाता है, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए 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 रमण मैम, हमने अच्छा पढ़ ये रही। विशेष हाँ विशेष है ना ये वाला पढ़ना सर, हाँ पीने हाँ से अभ्यज्ञात स्नेहान स्वेदान स्निग्धान शीलेत कई ही उत्कारी उत्कारिका पिंडई केशु और शिर पार्श्व गला गलादिषु लवणादिश्च रसान स्नेहोप सहितान शीलयेत। इसमें बोल रहे हैं कि विशेषण मतलब विशेष रूप से पीनस से अभ्यंगान, पीनस में अभ्यंग करना है हमें, कहाँ पे अभ्यंग करना है तो सिर में पार्श्व में गले में, स्नेहान स्वेदांश्च स्निग्धान, स्वेद भी देना है तो हमें बहुत ज्यादा ड्राई स्वेद नहीं देना है, स्नेह करना है अभ्यंग करना है, उसके बाद में शीलेत ये करना है, तो पूछ रहे क्या किस तरह से करना है, तो बोल रहे उत्कारिका पिंडे मतलब जो मालपुआ जैसे चीजें हैं तो उससे हमें गरम करके पोटली में डाल के और उससे सेक देना है, केशु कहाँ पे करना है, शिर पार्श्व गलादिशु मतलब सिर में पार्श्व में गले में रिब्स में ऊपर नीचे सब करना है, ताकि वहां पे हीट ना मिले बहुत ज्यादा, अगर हीट मिलेगा तो वहां पे फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं लवणादिश्च रसान, लवण अम्ल कटु रस से मिक्स करके स्नेह डाल के और हमें रस देना है, मांस रस इसका शीलेत ये देना है, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। पीने आशा से मैम विशेष, पीने हाँ से विशेष माह विशेष मा देती स्निग्धान स्निग्ध द्रव्य कृतान उत्कारिकाश्च पिंडकाश्चेति द्वंद्व पिंडकारा भक्षया। जी, इसमें पीनस से विशेष मा विशेषादिति जो है इसका मतलब है कि पीनस में विशेष रूप से क्या चिकित्सा देना है, इतना बढ़िया बताए, इतना बढ़िया बता रहे हैं कि स्निग्धान द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य कृतान, स्निग्ध द्रव्यों से जो कृत बनाया हुआ है और जो भी ये बना रहे हैं उसका प्रयोग करना है, स्निग्ध का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि कफ बहुत ज्यादा निकल गया है और वायु का प्रकोप हो गया है, तो इसलिए स्निग्धता लाके कफ को बैलेंस किया जाता है और वायु का भी शमन किया जाता है, उत्कारिकाश्च पिंडाश्चेति द्वंद्व मतलब यहाँ पे उत्कारिका बनाना है उसका पिंड टाइप बना के और उसका प्रयोग करके, यहाँ द्वंद्व समास है उत्कारिकाश्च पिंडाश्च द्वंद्व समास है, उसका प्रयोग करना है, पिंडा मतलब पिंडाकार भक्ष्या ऐसे पिंड टाइप जो भी भक्ष्य रहते हैं जैसे मालपुआ को पिंड जैसा बनाना है और फिर उससे सेक देना है, ठीक है। डॉक्टर विनीता चौहान मैम 66 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी प्लीज, विनीता मैम या देखिए आशा मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने लिखा है आशा मैम आप बोल दीजिए, बहुत अच्छा लिखा है आशा आपने। मैम आप बोलिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं, आशा मैम जी सर, सर यहाँ पे जो आगे पीनस की चिकित्सा में उत्कारिका का प्रयोग बताया गया था, तो उसी में उसी के बारे में बोलना था कि बताइए। उत्कारिता का जो उत्कारिका मतलब ये मालपुआ जैसी जो ये हम कल्पना बनाते हैं उसके अंदर मेनली मधुर स्निग्ध और मधुर स्निग्ध गुण प्रधान द्रव्य रहते हैं जो कि पित्त प्रकोप को, अरे सॉरी, वात का जो प्रकोप है उसको बैलेंस करने के लिए और कफ का जो क्षीण हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। और नॉर्मली इसमें जो सब मधुर द्रव्य है वो तो हम यूज करते ही हैं, तो यष्टि मधु सिद्ध घृत का भी हम अगर पिंड के स्वरूप में या उत्कारिका के स्वरूप में यूज करें, तो अभी जो वन्ना मैम बता रही थी ना कि वमन के बाद जो उत्क्लेश होता है या फिर पीनस के अंदर अधिक्षीण कफ रहता है तो उसमें उसका काफी अच्छा रोल रहेगा। जी, थैंक यू मैम। कल आशा मैम आप ट्रैवल कर रही थी तब भी आप कितना बढ़िया बढ़िया चीजें बता रही थी,
मतलब कितना कहाँ से लाती है इतना सारा नॉलेज, इतना बढ़िया बता रही थी कि क्या बताएं। नहीं सर, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, हाँ इसलिए कुछ ना कुछ समय मिलने पर पढ़ती रहती हूँ। और जब से आयुष दर्पण पे जुड़े हैं तब से निगम सर का आपके लेक्चर्स वगैरह सब पढ़ पढ़ के ही सर इतना कर पाए हैं। थैंक हाँ यू सर। आप अभी ये 66 नंबर का श्लोक आप ही पढ़ दीजिए, श्री राधे के शूल में करते हुए। और आशा मैम MD का फॉर्म भर रही हैं, थोड़ा डेट एक्सटेंड हो गया है। हाँ सर, मैं थोड़ा द्विधा में हूँ क्योंकि अगर MD ऑफलाइन करना है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन नहीं क्योंकि होता है, सब रेगुलर होता है, लेकिन सेटिंग होके उसको मैनेज कर दिया जाता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। अच्छा मतलब रेगुलर हमें क्लासेस अटेंड मैं करना अभी है प्लेटफॉर्म इसलिए। पे नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है सर, मैं कॉल करती हूँ आपको। वो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो कोई ऑफलाइन नहीं होता है, रेगुलर होता है, MD सेटिंग करना पे होता है तो है पूरा। सर, मेरी बहुत इच्छा है MD करने की करिए ना मैम, इसलिए। असली में अभी आकांक्षा मैम को देखिए, अभी उनका एग्जाम है MD का, इतना साल प्रैक्टिस करके भी MD कर रही है संहिता में, करिए ये आप। मेरा तो शादी के बाद मैंने MD के लिए ट्राई भी किया था नेचुरोपैथी के अंदर, क्योंकि ये आयुर्वेद का तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो नेचुरोपैथी में वो सब बुक्स वगैरह भी मंगवाई थी ऑनलाइन, लेकिन फिर वो सर वही बेबी के साथ नहीं हो पाता है, देखिए और अभी फिर ना मेरा पढ़ाई का टाइमिंग कोई भी। उम्र नहीं होता है। पुणे में एक खड़ी वाले वैद्य थे जो 60 साल में एयरफोर्स से रिटायर हुए, 60 साल के बाद उन्होंने BMS में एडमिशन लिया, फिर MD किया, फिर इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, 20-25 साल प्रैक्टिस किया और नाम करके गए। तो आपको जो पढ़ने का है मन में, ड्रीम है, तो पढ़िए ना, नहीं अच्छा है ना। है सर, लेकिन लेडीज की थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी फैमिली की बहन ने अभी किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी MD, है ना। 17 साल के गैप के बाद अभी किया। मैं कर सकती हूँ सर, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा एक बड़ा वाला लड़का है वो 12th में है और छोटा वाला 8th में है, तो नाउ आई कैन थिंक अबाउट दैट, तो इसीलिए मैं इंक्वायरी कर अभी तो रही आप थी। रिलैक्स हैं, आप बस पढ़ जी ही सकती हैं, तो आप पढ़ ही दीजिए, कर ही लीजिए। मैं आपको रिसर्च स्टैट मैं पढ़ा दूंगा, आपको आपका जी जी थीसिस भी मैं लिख दूंगा, सिनॉप्सिस भी मैं लिख दूंगा, अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना है, आप मैं खुद बस से ही करिए। करूंगी, और आप आप इतनी उसको आप इंटेलिजेंट गाइड है, कर देना। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इतना इंटेलिजेंट है, सब कर सकती हैं। नहीं, ये तो अब भगवान सही का। समय है, आगे बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। जी जी सर, मैं यही सोच रही हूँ, अभी मेरे पास 3-4 साल और हैं, तो उसमें मैं कर आप सकती। अभी एग्जाम दे दीजिए, 50 परसेंटाइल ला दीजिए और आ ही जाएंगे, आपको इतना तो आयुर्वेद आता ही है। जी सर बिल्कुल, जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है, दे ही दीजिए आप। ओके सर, मैं बिल्कुल फॉर्म भरती हूँ। हाँ ठीक है, आप पढ़िए ये। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं हमारा। आप एग्जाम दे के आएंगे ना तो आपको इतना हंसी आएगा कि ये क्या क्वेश्चन है, इतना सिंपल सिंपल, टफ नहीं होता है, इजी होता है वो। ओके सर ठीक है, हाँ ये 66 वाला पढ़ना है, हाँ हाँ क्षीरादि के शूल में कर्तव्य। हाँ शिरोम संपाश्य शिरोम संपाश्य शूलेषु यथा दोष विधिम चरेत श्रोत, ये क्या है, श्रोता श्रोता कानुप आदु श्रोता कानुप औदकानुप, ये ना टाइपिंग की औदकानुप, तरह से होता ओके था, औदकानुप पिशितय। औदकानुपिशीत उपनाह सुसंस्कृता तत्क्रेष्ठा स चतुर्स्नेह। जी शिरशूल अंशशूल और पार्श्वशूल में दोष के अनुसार चिकित्सा करें, इनमें औदक आनुपमास की वसा घृत तेल और मज्जा चारों स्नेहों से मिलाकर तथा भली प्रकार सुसंस्कृत करने करके इनसे उपनाह करना उत्तम है। जी जी आप सर, ये इसको तो हम लोग एक्सप्लेन तो तो करिए, प्रैक्टिकली करते ही हैं ये सब। एक्सप्लेन तो करिए, समझाइए हाँ तो। मतलब जैसे आगे बताया गया है उस प्रकार वायु का यहाँ पे ज्यादा मतलब वायु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, तो यहाँ और इसलिए कफ वगैरह पेन हो रहा रहता है, है, तो इसलिए पेन हो पेन रहा है हो रहा बहुत है, ज्यादा, तो इसलिए पेन यहाँ पे। मैनेज करने के लिए हमें ये जो अंश पेन है या शिरशूल है या पार्श्वशूल है, तो उसमें दोषों के अनुसार चिकित्सा करने के लिए बताया गया है। जैसे अगर वायु का ज्यादा है तो हमें ऑयल का उपयोग करना है, और कफ की क्षीणता है तो उसमें थोड़ा मधुर तिक्त द्रव्य है उनका यूज करना है। इसमें अनुपमास और ये सब कल्पनाएं बताई गई हैं, और ये जो चार अनुपमास प्रकार के को स्नेह वसा बताए घृत हैं, तेल मज्जा, इसको चार मिला प्रकार के के। स्नेह बताए हैं, वसा घृत तेल मज्जा, तो उससे संस्कारित करके उस स्नेहों का पान कराना है, ये इसका उपना इशारा करना नहीं, पान नहीं करना है, ये बोल रहे हैं कि उपनाह कराना है, है, उपनाह कराना है सर। पान भी करा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि पान अगर भी करा सकते हैं, इंटरनली है तो ये भी तो रिजल्ट देगा ही, उपनाह बराबर। करना भी है। इसीलिए बोले ना, यथा दोष विधिम चरेत, जैसा दोष है उस तरह से विधि का प्रयोग करें, दोषों के अनुसार चिकित्सा करने के लिए बोल दिया।
इन्होंने गाइडलाइन दिया, उसमें हम खुद अपना युक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर उषा मैम आपका स्वागत है। उषा मैम आप कृपया टीका पढ़िए, अगर आप फ्री हैं तो पढ़िए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आप आई तो कितना अच्छा लगता है कि एक गुजरात की मैम आई है, इतना अच्छी मैम। हाय मैम, अभी मैं एक्चुअल में सर द्वारका एंड सोमनाथ गई थी, जस्ट रात को ही लेट लौटी हूँ मैं। अच्छा हाँ सर, तो अभी पढ़ नहीं सकती हैं क्या? नहीं नहीं पढ़ूंगी ना सर, कौन सा पढ़ना है सर? आप तो भगवान के नगरी से हैं तो आप तो पढ़ सकते हैं शिरो अंकु पार्श्व शूलेषु। हाँ 66 वाला ना सर। शिरो सपाश्व शूलेषु यथा दोष विधि चरेत औदरिकानु पपीषिते रूपनाः सुसंस्कृता तत्रेष्टा ससु सचुता सचु सचु स्नेहा। जी आप समझाएंगे सर अभी? ये तो हमने पढ़ दिया, ये आशा मैम ने समझा दिया। अच्छा समझा, रिपीट कर दीजिए नहीं तो। अच्छा आशा मैम ने पढ़ दिया ऐसे। अच्छा अच्छा उसके नीचे वाला ही पढ़ना है ना ये सारा। हाँ शिरोस पार्श्व शूलेषु दोषानुसारे गोक्रम कार्य ढकानुपमाशेषस्तु स्नेहयुता सुसंस्कृता उपनाह इष्टा। अब रुक जाइए सर, आप पढ़ते वैसा नहीं पढ़ पाते हम। नहीं आप ऐसे घबराइए मत मैम, आप अच्छा पढ़िए, आप अच्छा पढ़िए। पहले के जमाने में लोग संस्कृत में बात करते थे, तो इन्होंने बोले शिरो अंश पार्श्व शूलेषु, सिर में अंश में पार्श्व में शूलेषु मतलब शूल में, सप्तमी बहुवचन। ऐसे जो कंडीशन है जहाँ पे पेन हो रहा है, सिर में हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, अंश संधि में पेन हो रहा है, पार्श्व में शूल हो रहा है, दोषानुसारेण उपक्रम कार्य, दोषों के हिसाब से उपक्रम करना है हमें। अभी आप वहां पे श्वेत दीजिए, घृतपान कराइए, अभ्यंग करिए, जो भी करना है वो आप करिए। तेषे वो औदक अनुपमास चतुस्नेह युक्त सुसंस्कृता उपनाह इष्टा, उसमें फिर हम उपनाह करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे औदक औदक और औदक मतलब जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं जो भी हैं एनिमल्स, उनका मास का प्रयोग करना है। अनुप मतलब जो ठंडे प्रदेशों में कफ प्रदेश में रहते हैं उनका वसा लेना है, फिर मज्जा लेना है और नॉर्मली घी लेना है, गाय का घी और तेल लेना है, इनसे संस्कृत करके कुछ ऐसे हलवा टाइप बना के और पोटली में डाल के और उससे उपनाह करना है जहाँ पे बहुत ज्यादा ये पेन हो रहा है, उन सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद रसायन रसायन शिरसुलादि चिकित्सा मा शिरो सपाश्वे सुले तिब्बती वातजेषु विशेषमाह औदकानुपपीषितैरिति सुख सुसंस्कृता सुसंस्कृता कटु अम्ले, यहाँ पे ऊ और अ मिलके व बन गया। अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि शिर शूल आदि की चिकित्सा बताएं, कहाँ से बताएं? शिरो अंश पार्श्वलेषु, ये श्लोक से। इसका मतलब है कि जब हेडेक वगैरह हो रहा है आदि, शिर शूल अंश शूल पार्श्व शूल, इसकी चिकित्सा बताया है। वात जेषु क्रिया विशेषमा, यहाँ पे वायु के सारे सिम्टम है, विशेष रूप से क्या करना है? अनुप औदक अनुपिषितय रीति, मतलब यहाँ पे मांस का प्रयोग करना है, औदक और अनुप मांस से बनाए हुए, और सुसंस्कृता कटुपमले, यहाँ पे स्नेह पान कराना है। okay. कटु और हल्का और अम्ल रसात्मक, ऐसे चतुस्नेह का प्रयोग करके उपनाह का स्वेद, उपनाह का प्रयोग करना है, खाने के लिए भी दे सकते हैं और वहां पे उपनाह स्वेद ऐसा भी करना है। मांस को ऐसे जैसे गर्म कर दिया, फ्राई कर दिया, पूरा मांस को कर दिया और उसमें घी वगैरह डाल के फिर पोटली में डाल के, और उस टाइम पे उपनाह किया जाता था, स्टीम दिया ऐसे सेक दिया जाता था कोष्ठ करके।
ठीक है, 67 नंबर का श्लोक विनीता मैम या वर्षा मैम प्लीज पढ़ेंगी क्या? जी सर, प्रणाम सर। कल मेरे को सब लोग बोल रहे थे कि विनीता मैम बहुत अच्छा पढ़ती हैं ये महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र। थैंक यू सर। पढ़िए ये 67 नंबर का श्लोक। दोषण संसर्ग इष्यते प्रलेपाम नत यस्त्र या यस्त्रह सतहवा कुष्ठ चंदन है। हाँ, इसके एक मिनट में हिंदी लेके आता हूँ। हाँ, ये पूरा 68 पूरा कंप्लीट कर दीजिए। जी सर। बला रास्ना तिलेस्त तद सर सर सर्पी मधुर तद्वत पढ़िए ना, वह क्यों हटा दिया? तद्वत सर्पी। बला रास्ना तिलेस्त तद्वत सर्पी मधु को उत्पले। बराबर। पुनर्नवा कृष्ण गंधा बला वीरा विदारी भी। जी। दो दोषों का संसर्ग होने पर तगर मुलठी सौंफ कूट चंदन इनसे या बला रासना घी मुलहठी कमल इनसे अथवा पुनर्नवा सहजना बला शतावरी और विदारी इनसे लेप करें। जी, समझाइए तो। अगर दो दोषों का संसर्ग हो जैसे वात पित्त या वात कफ इस तरह से हो तो तगर मुलहटी सौंफ कूट चंदन या तो ये या फिर बला रासना घी मुलहटी या और कमल या तो इनका कॉम्बिनेशन अथवा पुनर्नवा सहजन बला और सतावरी और विदारी इनको मिला के लेप करना चाहिए चेस्ट पे। हाँ, सहजन जो है कितना बढ़िया है उसका लेप ये सब का। ठीक है मोनिका मैम, आप 67-68 का टीका पढ़ेंगी? मोनिका मैम आप पढ़ सकती हैं क्या? शायद मैम है कि नहीं है, पता नहीं। मोनिका मैम नहीं है, कौन और पढ़ना चाहेगा? कविता मैम आप पढ़ेंगी? अंजना मैम कोई पढ़ेंगी? मोनिका मैम तो अभी बोली थी कि मैं पढ़ूं। हाँ, वर्षा मैम पढ़िए आप। हाँ जी, दोष संसर्गे च द्वंद्व। दोष संसर्गे च द्वंद्वे तग्रादि भी प्रलेप इष्यते तथैव बलादि भी घृत मधु उत्पलय उत्पलयुते तथा पुनर्नवादि भी। इसका मतलब यह है कि दोष का संसर्ग है, द्वंद्व है, मतलब वात पित्त पित्त कफ वात कफ, तो उसमें तगर आदि का प्रलेप लगाना है यहाँ पे। दूसरा बोल रहे हैं तथैव बलादिभिः, बलादिभिः मतलब बला रासना तिल ये सबको लेना है, यष्टि मधु वगैरह लेना है, उत्पल लेना है, पुनर्नवा कृष्ण पुनर्नवा काला वाला अश्वगंधा बला वीरा और विदारी ये सबको लेके घृत और मधु और उत्पल मतलब कमल या फिर पुनर्नवादिभिः, पुनर्नवादि में मतलब पुनर्नवा कृष्ण गंधा बला विदारी इन सबका लेप लगाने के लिए बोल रहे हैं। आगे पढ़िए आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद संसर्गजेषु संसर्गजेषु विशेष माह विशेषम आह दोष संसर्ग इति त्रिभिर रंध्रस्त्रयो लेपा संग्रहे तु द्वा अधिको पलंकशा देवदारु चंदन मधुक घृतम अभीरु यष्टि मधुक पयस्या कट तृण घृतम। इसमें बोल रहे हैं आयुर्वेद रसायन में कि दोष संसर्ग इति, दोष संसर्ग से क्या बताएं? संसर्गेषु विशेषमा, संसर्ग जब रहे तो विशेष रूप से देना है। इसमें त्रिभिः अर्धस्त्रयो लेपः मतलब ये तीन तरह के लेप बताए हैं, इनका प्रयोग करना है। पहला जो है तगरादि लेप, दूसरा बलादि भी लेप और तीसरा पुनर्नवादि भी लेप, तीन तरह के लेप बताएं। संग्रह तो द्वावधि को संग्रह में अष्टांग संग्रह में दो और बताए हैं लेप। पहला बता रहे हैं पलंकशा, पलंकशा मतलब गुगुल, देवदार चंदन मधुक मतलब यष्टि मधु घृत के साथ मिक्स करके उसका लेप लगाना है। दूसरा अभीरु, अभीरु किसको बोलते हैं?
अभीरु किसको बोलते हैं कृपया बताइए? हरितकी को अभया बोलते हैं। अभीरु किसी को बोलते हैं? यष्टि मधु लेना है, पयस्या मतलब विदारी, कट तृण ये लेना है, इनको घृत में मिक्स करके इसका लेप लगाना है। अभीरु शब्द मुझे याद आ रहा है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अभीरु किसी वनस्पति को बोलते हैं। ठीक है आगे पढ़ना है 69 नंबर का श्लोक एक पढ़ के फिर हम रुकेंगे। वैजी इसमें एकाधिक दोषों का संसर्ग हो तो ये अगर ये जो ड्रग इन्होंने जो हर्ब्स लिखी हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दीजिए कि एकाधिक दोष में तो कौन कौन से दोषों में किस तरीके से ये एकाधिक दोष नहीं है ये दो दो दोष ठीक से अधिक दोष है ना इसमें लिखा है उन्होंने एकाधिक मतलब एक से अधिक दोष नहीं संग्रह तो द्वावधिक को ये लेप के बारे में बता रहे हैं। हाँ तो ये लेप है वो अगर एक से अधिक दोष दोषों का संसर्ग हो तो इन लेपों को यूज करना है। तो ये जो मेडिसिन उन्होंने इसमें जो हर्ब्स यूज किए हैं दोषों के अनुसार उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दीजिए। एक मिनट अब भीरू में देख के एक मिनट बता रहा हूँ। अब भीरू किसको बोला है वो हमें नहीं तो फिर हम भूल ही जाएंगे ढूंढना। एक मिनट अब भीरू में किताब खोल के देख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद था अभी याद नहीं आ रहा। किसी को याद है तो बताइए प्लीज। अब भीरू किसको बोलते हैं? नहीं तो मैं बाद में ढूंढ के बताऊंगा अभी मुझे भी नहीं मिल रहा है। अब भीरू मुझे मिल नहीं रहा सर जाने दीजिए बाद में पढ़ लेंगे अभी रुको है ना। हाँ थोड़ा हम अभी एक मिनट हो गया मिल गया 636 पेज नंबर एस्परेगस रेसिमोसस है भाई सतावरी है शायद हाँ सतावरी का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। यस ठीक अगर हम संहिता नहीं पढ़ेंगे तो अभिरू पे हमको ध्यान ही नहीं जाएगा। इसमें ये बोल रहे हैं कि दो दोषों का संसर्ग होने पर एक तगर आदि लेप है तो तगर मुलेठी सौंफ कुट और चंदन ये एक हो गया। दूसरा है बलादि लेप तो बला रासना घी मुलेठी कमल ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि पुनर्नवा सहजन बला शतावरी और विदारी ये तीन हो गया इनका प्रयोग करना है। ठीक है अभी हमने रुकते हैं कोई शांति पाठ करना चाहेगा? मोनिका मैम है कि चली गई है? मैम का मैसेज आया कि क्या में भी थोड़ा सा रहता है तो उस टाइम पे हम ये लेप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं दो दो दोषों का संसर्ग हो तो इनका प्रयोग करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन याद रखिए तीन तीन है लेप इसका प्रयोग करके देखना चाहिए क्योंकि बलवर्धक भी है सर और कफ भी उसमें थोड़ा सा वात कफ ऐसे माने तो वात भी कम हो जाएगा और कफ भी से कफनाशक भी थोड़े से ड्रग है तो एक कर सकते ना हम। हाँ ठीक है अभी विनीता मैम विनीता चौहान मैम आपको एक प्रेयर कर दीजिए ना। विनीता चौहान मैम जी सर आपको प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर हनुमान चालीसा कर दो आज। हाँ कर दीजिए और भी लोगों को बोलना है तो बोल सकते हैं मैम के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संग
कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि नहीं दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भये सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुवारे तुम रखवारे होत नाग्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा चंद का ये शिवाजी का मनोरथ जो लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस बर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरई हनुमत से
सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चीरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, उमापति महादेव की जय। सभी को प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम सभी को, सबका दिन अच्छा हो, भगवान सबके कष्ट हरे। थैंक यू मैम, प्रणाम विनीता मैम, बहुत ही सुंदर से आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। और ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू प्रणाम अन्ना मैम, काफी मधुर है। प्रणाम, शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।